नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स और बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर पोर्चुगीज लीग गेम बिटवीन पाकोस दी फेरा एंड गिलवन सेंसे, जो दोस्तों 14 मई को रात को 11:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों लास्ट टाइम ये दोनों टीम फेब्रुआरी में मिली थी, तब काफी क्लोजली फॉट गेम हुआ था, दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था वो गेम में। तब फिर भी दोस्तों गेम पाकोस दी फेरा ने जीत लिया था 2-1 से। तो देखते दोस्तों उस टाइम के बाद क्या गिलवन सेंटे का परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस देगी इस गेम में गिवन कि उनके रिसेंट फॉर्म क्या है, और या पाकोस दी फेरा फिर से ये गेम जीत जाएगी। और दोस्तों एंड में हम आपको 3 ग्रैंड लीग ऑप्शंस भी देने वाले हैं जो आपको काफी हेल्प करा जब अपनी टीम बनाते हैं। तब तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको लॉजिक समझ सके कि हमने ये प्लेयर्स क्यों सिलेक्ट किया हमारे सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम में, और है क्यों ये 3 प्लेयर्स हमारे ग्रैंड लीग ऑप्शंस। तो बढ़ते अब वीडियो में आगे। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों, इस सीजन में पाकोस दी फेरा 5th पोजीशन पे और गिलवन सेंटे 11th पोजीशन पे। दोनों ने दोस्तों 32 गेम्स खेली है, जहाँ पे पाकोस दी फेरा ने 14 गेम जीती, 8 गेम ड्रॉ करी और 10 गेम हारी। गिलवन सेंटे ने दोस्तों 32 में से सिर्फ 10 ही गेम जीती है, 6 गेम ड्रॉ करी और 16 गेम हारी। दोस्तों ये गिलवन सेंटे के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि यदि ये गेम वो जीत जाते हैं तो वो 10th पोजीशन पे जंप कर देंगे, और दोस्तों उनके और 9th पोजीशन मोरेन्स के बीच में सिर्फ एक ही पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। पाकोस दी फेरा दोस्तों भले ही ये गेम जीते हारे या ड्रॉ करे, उनकी पोजीशन में कोई चेंजेस आने नहीं वाले, क्योंकि जो फोर्थ टीम ब्रागा है वो उनसे 10 पॉइंट आके और जो सिक्स टीम विक्टोरिया है वो उनसे 8 पॉइंट पीछे है। रिसेंट गेम परफॉर्मेंस की बात करें दोनों टीम्स की, तो लास्ट 5 गेम में पाकोस दी फेरा ने 1 गेम हारी है, 3 गेम ड्रॉ करी है और 1 गेम जीती है। दोस्तों लास्ट 4 गेम अनबीटन रन पे है, बट दोस्तों याद रखिएगा उन्होंने सिर्फ एक ही गेम जीती है वो लास्ट 4 गेम में, जहाँ पे उनके अटैक ने इतना कुछ परफॉर्मेंस दिया नहीं है, जहाँ पे वो सिर्फ 5 ही 4 ही गोल स्कोर कर पाए, पर दोस्तों उनका डिफेंस भी इतना कुछ खेल नहीं रहा है अच्छे से, जिन्होंने लास्ट 5 गेम में सिर्फ एक ही गेम में क्लीन शीट रखी और 5 गोल कंसीड किए। गिलवन सेंटे की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने लास्ट 5 गेम में 2 गेम हारी है, 2 गेम ड्रॉ करी है और सिर्फ एक ही गेम जीती है। दोस्तों उनका अटैक काफी खराब है, जो अच्छे से चांसेस भी नहीं क्रिएट कर पाता इतना, और ना ही इतना अच्छे गोल स्कोर कर पाता है, जिन्होंने लास्ट 5 गेम में सिर्फ 3 ही गोल स्कोर किए। बट दोस्तों उनका डिफेंस ऑफ लेटली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, जहाँ पे लास्ट 3 गेम में उन्होंने 2 गेम में क्लीन शीट रखी और 1 ही गोल कंसीड किया, बट दोस्तों ओवरऑल उन्होंने लास्ट 5 गेम में 6 गोल कंसीड किए हैं। की स्टैट्स की बात करें दोस्तों, तो गिलवन सेंटे जब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात आती है, तब काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया है, जिन्होंने लास्ट 7 गेम में से दोनों टीम्स के बीच में जो खेले गए थे उसमें से 6 गेम में वो अनडिफीटेड रही है। बट दोस्तों पाकोस दी फेरा के जो होम ग्राउंड पे ये गेम्स हुए थे ना, उसमें से लास्ट 3 होम गेम में से 2 या 2 से कम गोल स्कोर किए गए। तो दोस्तों काफी लो गोल स्कोरिंग गेम होता है दोनों टीम्स के बीच में, तो हम वही ट्रेंड इस गेम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पाकोस दी फेरा दोस्तों लास्ट 4 लीग गेम में अनबीटन है, और दोस्तों उन्होंने लास्ट 9 होम गेम में से 5 होम गेम जीत लिए। तो दोस्तों पाकोस दी फेरा का होम रिकॉर्ड काफी अच्छा है, गिलवन सेंटे का अवे रिकॉर्ड भी उतना खराब नहीं है, जिन्होंने लास्ट 9 अवे गेम में से 5 गेम जीती है। तो दोस्तों होम और अवे दोनों ही टीम्स का कंपेयर टू ऑलमोस्ट इक्वली है, तो ये गेम दोस्तों काफी क्लोजली फॉट हो सकता है, इस गेम की स्कोर लाइन 1-1 भी हो सकती है। तो यदि दोस्तों आपको ऐसे स्टार्ट एनालिसिस में और इंटरेस्ट रख सकते हैं, मजा आता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको ऐसे कई सारे स्टार्ट और एनालिसिस मिल जाएंगे। इसका लिंक हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो, रिसर्च हमारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सपर्ट 11 की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही टीम्स के लिए मस्ट विन गेम है, लेकिन गिलवन सेंटे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, क्योंकि दोस्तों उनका पोजीशन इतना कुछ अच्छा है नहीं 11th पोजीशन पे, तो यदि गेम वो जीत जाते तो एटलीस्ट 10th पोजीशन पे तो आ ही जाएंगे। इसलिए दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों ही टीम्स उनके टॉप प्लेयर्स को खिलाएंगे, इसलिए हमने भी उस हिसाब से हमारी प्लेइंग 11 सिलेक्ट की गई है। की प्लेयर्स की बात करें तो पाकोस दी फेरा की साइड से टैंक्वे सिंह कोस्टा और कार्लोस हमारे टॉप पिक है। चल दोस्तों, टैंक्वे ने 7 गोल स्कोर किए, 2 असिस्ट दिए, सिंह ने 5 गोल स्कोर किए, 5 असिस्ट दिए, कोस्टा ने दोस्तों 4 गोल स्कोर करके 2 असिस्ट दिए, और कार्लोस ने 3 गोल स्कोर किए और 3 असिस्ट दिए हैं। गिलवन सेंटे की साइड से दोस्तों गोंजालेस हमारे टॉप पिक है। चल दोस्तों, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए और सिर्फ 2 असिस्ट दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सजेस्टेड ड्रीम 11 टीम की, तो फॉरवर्ड्स में सिंह और टैंक्वी हमारे टॉप पिक है। जा दोस्तों, ये दोनों को हमने हमारे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस में भी रखा है। क्यों दोस्तों, ये दो प्लेयर्स हमने फॉरवर्ड
में सिलेक्ट किए हैं पाकोज दे फेरा के ही, क्योंकि दोस्तों पाकोज दे फेरा का अटैक एज कम्पेयर टू गिलवन सेंटे काफी अच्छा है। उन्होंने दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रिसेंट टाइम्स में एज कम्पेयर टू गिलवन सेंटे, जिन्होंने दोस्तों लास्ट 5 गेम में सिर्फ 3 ही गोल स्कोर कर पाए। और दोस्तों याद रखिएगा गिलवन सेंटे का डिफेंस भी वीक है, उन्होंने 6 गोल कंसीड किए। तो दोस्तों हमें लगता है कि ये दो फॉरवर्ड पाकोस दे फेरारा के ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं, और इसलिए हमने इन दोनों को लेके हमारे कैप्टन चेस कैप्टनसी ऑप्शन में भी रखा है। मिडफील्ड में कोस्टा, कार्लोस गोंसाल्विस और मिनेरो हमारे टॉप पिक है। या दोस्तों मिनेरो के अलावा बाकी तीनों प्लेयर्स को हमने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रखा है। दोस्तों ये तीनों आपके स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है और ये प्लेयर्स थोड़े से रिस्की है। बट अगर आप बैक करते हैं कि पाकोस दे फेरा इस गेम में अंधा परफॉर्मेंस देगी, गेम जीतेगी गिवन कि उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लास्ट 4 गेम में अनबीटन है, तो आप कोस्टा या कार्लोस को अपना कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बना सकते हैं। बट दोस्तों आपके अंदर की गट फीलिंग बोलती है कि गिलवन सेंटे इस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस देगी, वो 1 गोल तो स्कोर करेगी ही करेगी, तो आप गोंसाल्विस को अपने मिडफील्ड में रख के उनको कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी ऑप्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों अपनी गट फीलिंग को बैक करते हुए आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर इस गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, आप अपनी टीम में रखेगा और उन्हें ही इस हिसाब से चॉइस करेगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। और अगर आपको हमारी टीम जाननी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर, उसके लिंक हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में ही दिए, तो फट से ज्वाइन कर दीजिए ताकि हमारी चर्चा फाइनल टीम मिस ना करें। डिफेंस की बात करें तो रोबेंचो, फोनसेस्का और फियर हमारे टॉप पिक है, और गोलकीपर हमने पुआ को लिया हुआ है। जैसा दोस्तों हमने आपको हमारे फॉरवर्ड्स जब हमने बता रहे थे तभी आपको बताया था कि हमने फॉरवर्ड्स पाकोस दी फियरा के लिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों उनका अटैक ज्यादा अच्छा है, इसलिए दोस्तों हमने कीपर भी गिलवन सेंटे का सिलेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों पाकोस दी फियरा के अटैकर अच्छे हैं तो शॉट ज्यादा लेंगे, तो गिलवन सेंटे को कीपर को शॉट ब्लॉक करने पड़ेंगे, तो उसके आपको शॉट ब्लॉक के भी अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमने गिलवन सेंटे को कीपर को लिया हुआ है इन आर टीम, और हमने लोड की अभी हमारी टीम पाकोस दे फेरारे डिफेंस है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों लास्ट 5 गेम में सिर्फ 5 ही गोल कंसीड किए कंपेयर टू गिलवन सेंटे जिन्होंने 6 गोल कंसीड किए हैं। इसलिए दोस्तों इन्हें इनको सिलेक्ट किया है पाकोस दे फेरारा के डिफेंडर्स को, और बजट लाइनअप भी इसलिए रखी डिफेंस में ताकि हमें लगता है कि इस गेम में अटैकर्स और मिडफील्डर्स थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं। तो अभी हमने दोस्तों 10 प्लेयर वाली टीम दी है 7:3 के रेशियो में बैकिंग पाकोस दे फेरा, जहाँ पे दोस्तों अभी भी हमारे 10.5 क्रेडिट्स बाकी है, तो हम अच्छे खासे प्लेयर्स ले सकते हैं अगर 11th प्लेयर के ऑप्शन की बात हो तो। और दोस्तों 11th प्लेयर का हम ऑप्शन क्यों देते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप अपनी ग्रैंड लीग टीम बनाते हैं या मल्टीपल्स टीम बनाते हैं स्मॉल लीग या हेड टू हेड में, तो आपको ये 3 प्लेयर्स रोटेट करने में काफी हेल्प हो जाएगी, और जब ग्रैंड लीग टीम बनाते हैं तो आपकी गट फीलिंग को बैक करते हुए भी ये 3 प्लेयर्स के हम ऑप्शन देते हैं, ताकि आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर्स उन्दे रहेंगे, हमारी रिसर्च को बैक करते हुए, खुद ही रिसर्च को बैक करते हुए उस हिसाब से हमने भी प्लेयर्स दिए, और उस हिसाब से आप अपनी टीम भी बनाइएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन से है वो 3 प्लेयर्स। सबसे पहले दोस्तों तीनों ही के तीनों प्लेयर्स गिलवन सिंटे, क्योंकि हमने पाकोस दे फेरारा के 7 प्लेयर लोड कर चुके हैं, तो अभी हमको एक प्लेयर तो गिलवन सिंटे का लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों गिलवन सिंटे के प्लेयर के है बराए, म्यूलेन और लॉरेंसी। जहां पे दोस्तों बराए ने मिडफील्डर है, उन्होंने 1 गोल स्कोर किया, 2 असिस्ट दिया है, म्यूलेन अटैकर है, लॉरेंसी भी अटैकर है, लॉरेंसी ने दोस्तों 4 गोल स्कोर किया, 1 असिस्ट दिया। तो अभी दोस्तों हमने अटैक में फुल्ली लोड किया है पाकोस दे फेरारा को, बट अगर आपको लगता है कि गिलवन सेंटे एटलीस्ट 1 गोल तो स्कोर करेगी ही करेगी, आपको अपनी गट फीलिंग और अपनी रिसर्च और हमारी रिसर्च को बैक कर तो ऐसा लगता है, तो आप म्यूलेन और लॉरेंसे को ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि मिडफील्ड ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाला है गिलवन सेंटे, क्योंकि मिडफील्ड दोस्तों सिर्फ आपको थ्रू बॉल्स, की बॉल्स, असिस्ट के तो पॉइंट्स ही देगा, आपको पीछे जाके डिफेंस में इंटरसेप्शन के भी पॉइंट्स देते हैं, तो आप बराए को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपको क्या लगता है अपनी गट फीलिंग के हिसाब से कि कौन से प्लेयर्स ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले अटैकर या मिडफील्डर गिलवन सेंटे के, उस हिसाब से इन 3 प्लेयर्स में से आप अपनी टीम में चूज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी फाइनल टीम जाननी है तो आपको टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर, उसके लिंक हमने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में ही दी हुई है, वही हमारा ओरिजिनल अकाउंट है, आप उसी को ज्वाइन करेगा। साथ में दोस्तों हम अपने QR कोड भी दिया हुआ है, अगर आपको वो स्कैन करके ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों गेम स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले आपको हमारी फाइनल टीम मिल जाती है विद आर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन, साथ में हम आपको एक एक्सपर्ट एनालिसिस भी देते हैं जो लाइनअप आने के बाद आपको अपनी टीम बनाने में काफी हेल्प करेगा। ये सब बेनिफिट तो है ही दोस्तों, साथ में आपको दूसरे फुटबॉल
क्रिकेट की भी टीम्स हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों फट से ज्वाइन कर दीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छे लगे हो हमारी रिसर्च, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और याद रखिए दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसी की तरह ट्रीट करें, रिस्पॉन्सिबल खेले, अच्छे से खेले, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। तो अपनी कैपेबिलिटी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करेगा। जल्द मिलते किसी और क्रिकेट या फिर फुटबॉल वीडियो में। धन्यवाद।